नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भारत के परचम पर, अमन अमान के परचम पर बदनुमा दाग लगा 1992 6 दिसंबर को। फिर इसके बाद उस दाग को मजबूत किया, उसको गहरा किया 22 जनवरी 2024 को। फिर इसके साथ साथ अब ज्ञानवापी में जो पूजा की इजाजत दी गई है, उसी वजह से भारत मुल्क एक अमन अमान वाला नहीं बल्कि शर पसंद वाला मुल्क बनता जा रहा है। मुसलमानों पर हर जगह से गिरफ्त मजबूत की जा रही है। मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों को हर जगह से टॉर्चर किया जा रहा है। अब मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि अब हम किसी भी दूसरे अरब ममालिक से या मुस्लिम ममालिक से अपने लिए कोई भी हिदायतकारी या फिर हमारी बचावकारी का कोई भी उनसे वास्ता नहीं रखना चाहिए, ना ही उन पर कोई भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गाजा के अंदर आज तक 30,000 से शायद लोग हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, 70,000 करीब अफराद वहां पर जख्मी हैं और तकरीबन 8 से 9 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। और वो गाजा फलस्तीन जो तमाम अरब ममालिक के दरमियान है, उसकी इन 57 ममालिक ने मदद नहीं की तो भारत के मुसलमानों की मदद करना इनके लिए मुमकिन तो सोचना ही नामुमकिन, बल्कि इनके शानो गुमान में भी नहीं आएगा कि भारत का मुसलमान परेशान है तो उसकी कैसे मदद की जाए। चलिए, बात मुख्तसर सी है। अब आप जिस तरीके से मसाजिद को आपसे खींचना जा रहा है, लेकिन अब आपसे जुमा की नमाज पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। जी, ये मैं नहीं बल्कि एक जिसके रगों में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा है, मुसलमानों के लिए नफरत भरी है, अंग अंग के हर हिस्से के अंदर मुसलमानों को लेकर इनके अंदर सिर्फ आतंकवादी, जिहादी, दहशतगर्दी के लफ्ज इनके हर जहन के कोने कोने में बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जो खुद अपने माँ बाप के नहीं होते, ये वो लोग हैं जो अपने खानदान के नहीं होते, ये वो लोग हैं जो इनका किसी से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये धर्म के नाम पर कई मजाहिब को लड़ाना चाहते हैं। ये जाफरानी रंग ओढ़े ऐसे मनून लोग हमारे दरमियान हैं जो मुसलमानों को सिर्फ नफरत और जहर भरी नगाह से देखते हैं। मैं ऐसे पुराशुभ माहौल के अंदर ऐसे जो टॉपिक्स लेकर हाजिर हुआ हूं, उसकी वजह यह है कि मुसलमानों को अब इत्तेहाद, इत्तेफाक और उठ खड़े होने का जरूरी वक्त आ चुका है। यानी अब जिस तरीके से मेहरोली की जो 600-700 साल मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा छीन लिया गया, अब उसके बाद मुसलमानों पर जुमा की नमाज पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया। कट्टर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से यह मुतालबा किया गया है कि छोटी मसाजिद में 10 अफराद को और बड़ी मसाजिद में 25 से कम अफराद को नमाज की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि जुमा के दिन ये लोग नमाज के लिए जमा नहीं होते बल्कि हिंदू अफराद को काटने, कत्ल करने और इस तरीके से घटिया बातों का इन्होंने इल्जाम आयद किया। जुमा जैसे मुकद्दस दिन पर भी इन्होंने गंदी नजर डालकर यह कहा कि अब मुसलमानों को भारत के अंदर जुमा की नमाज पर भी पाबंदी लगाने का पुरजोर मुतालबा किया गया। क्या अब भी मुसलमान सोता रहेगा? क्या अब भी मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रहेगा? क्या अब भी मुसलमान के जो हुक्मरान हैं, दानिश्वरान हैं, जो मुसलमान के सियासी कायदीन हैं, मुसलमानों को लेकर चलने वाले बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, क्या अब भी खामोश रहेंगे? जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी ये एक इंधनाक वाकया है, मुसलमानों के एक सब बड़े एक स्कॉलर को इस तरीके से इनके आंखों के सामने गिरफ्तार किया जाता है मगर अभी तक उनकी रिहाई अमल में आना मुश्किल होता है, तो बहरकैफ ये मुसलमानों की कमजोरी, मुसलमानों के अंदर बेदारी नहीं होना, मुसलमानों के अंदर सिर्फ दौलत, ऐश इशरत, नाम व मर्तबे के लिए मर मिटना, यही मुसलमानों का एक बड़ा शौक रह चुका है। लेकिन अब आने वाले वक्त में मुसलमानों से जुमा की नमाज की भी पाबंदी की जा सकती है या की जाएगी पता नहीं, लेकिन इनका जहर भरा मुतालिबा एक बार आप भी गौर से सुन ले, फिर उसके बाद इजहार ख्याल जरूर करें। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत
हाल में लाई जाए। जुम्मे के दिन तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती, पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।